हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ AK पब्लिक स्कूल बोकारो। आज हम लोग फिल्टरिंग डाटा, एडवांसिंग फिल्टरिंग और सर्चिंग ऑफ डाटा पढ़ेंगे। ये तीन टॉपिक, ये आपका लास्ट टॉपिक है जो आपका बुक में है। हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 8 का, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेल 2013 है। टू फिल्टर डाटा मीन्स टू डिस्प्ले ओनली द रिसेंट डाटा एंड हाइडेड द रेस्ट ऑफ इट। तो टू फिल्टर डाटा फॉलो दिस स्टेप। इन द कॉलम यू वांट टू फिल्टर, क्लिक द एरो टू द राइट साइड ऑफ ग्रेट कॉलम एंड हेडर एंड अनक्लिक द ऑल, सिलेक्ट ऑल क्लिक टू बॉक्स। सिलेक्ट द ग्रेट यू वांट टू योर शीट टू डिस्प्ले। यू कैन सिलेक्ट एस मैनी एस यू नीड। Excel 2013 will be display the row with the corresponding value you have select and will hide the rest। अब देखिए इसमें क्या करना है, हम लोग क्या करेंगे, जो वहाँ पर क्लिक करेंगे हेडिंग को, तो वहाँ आपका ग्रेड में तो आपका ये वाला ऑप्शन दिखाएगा, तो सिलेक्ट और तो रहेगा। सेलेक्ट अब तो हम लोग कर नहीं सकते, हम लोग एक सिलेक्ट कर, एक करेंगे दो करेंगे तो दो करेंगे, जितना चाहिए तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग पहले करते एक A1 करते हैं, तो हम लोग सिलेक्ट वहाँ पर आउट हला के A1 को करके हम लोग ओके कर देते हैं। तो आपका देखिए इस टाइप का दिखाएगा, A1 जो है आपका सिलेक्ट हो चुका है ग्रेड में। अब देखिए इसमें क्या होगा, फिर आफ्टर यू क्लिक ओके द आइकन नेक्स्ट ग्रेट और कॉलम हेडर अपेयर टू इंटीग्रेट दैट द कॉलम हैज बी फिल्टर्ड डाटा। इफ यू पॉइंट द आइकन एक्सेस 2000 विल बी डिस्प्ले द फिल्टर कैटेगरीज। देखिए अब क्या होगा, अगर हम लोग उसको सिलेक्ट कर लिए A1 को, उसको हमको क्लिक करेंगे तो फिल्टर आपको दिखाएगा, क्या दिखाएगा, रिजल्ट आपका ग्रेड दिखाएगा इन A1 और रिजल्ट ग्रेड इन नंबर्स, ऐसे दिखाएगा वो आपका अगर उसमें क्लिक करिएगा जो सेलेक्ट किए। उसके बाद क्या होगा, यू कैन रिमूव द फिल्टर बाय क्लिकिंग द ड्रॉइंग फिल्टर बटन इन द सॉर्ट और फिल्टर ग्रुप ऑन द होम टैब। द डाटा विल बी नॉट डिस्प्ले इन ऑर्गेनाइजिंग डाटा। देखिए इसमें हम लोग इसमें को क्लिक करेंगे, जो हमारा ओरिजिनल डाटा था वो हट जाकर नहीं दिखाएगा। इसके लिए यू कैन आल्सो सेलेक्ट द कॉलम हेडर एंड क्लिक द फिल्टर बटन एंड स्टोर डाटा ग्रुप ऑन द होम टैब टू द अपेयर द फिल्टर। वहाँ पर जाके हम लोग होम टैब पे जाके भी दे सकते हैं। यहाँ पर हम फिल्टर डालेंगे तो आपको ये वाला फिल्टर डालेंगे तो वहाँ पर भी आपको जो हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो वही चीज़, सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी दिखाएगा, यही सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी दिखाएगा ये वाला आइकन में, फिल्टर में जाकर। अब देखिए एडवांसिंग फिल्टरिंग क्या है, यू हैव स्टडी अबाउट द सिंपल फिल्टरिंग डाटा इन एक्सेल, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू डू एडवांसिंग फिल्टरिंग। क्लिक द एरो द राइट ऑफ द टोटल मार्क्स कॉलम हेडर। You can also select the column header heading and click the filter button in the scoring filter and group of the home tab and from the menu that appears. Click the number of filter and click between the sub menu. देखिए इसका क्या होगा, एडवांस वर्जन में क्या है, आपको वहाँ पर जाके क्लिक करिएगा तो आपका ये वाला दिखाएगा, है ना, ये आपका पूरा नंबर दिखाएगा यहाँ पर आपका इसमें टोटलिंग में मार्क्स में। तो यहाँ पर हम लोग फिल्टर कर सकते हैं, देखिए इसमें हम ऑल फिल्टर भी कर रख सकते हैं या कुछ नंबर, देखिए इसके अगर वो क्लिक करेंगे ऑल फिल्टर में, वहाँ पर नंबर फिल्टर में क्लिक करेंगे तो इक्वल आएगा, डू नॉट इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन और आपका ये देगा बजट देगा, बिटवीन दिखाएगा, तो बिटवीन आप में क्लिक करिएगा तो आपका दिखाई ये वाला बॉक्स आएगा, स्मॉलर 300 आएगा और लार्जर 400 दिखाएगा, फिर ओके कर दीजिएगा। ये आपका बिटवीन वाला है, इसके क्या करना है, द
The between number dialog box appear and the number is 300 in the smaller and text box and 400 in large text box. Click OK. क्लिक ओके कर देंगे, बता चुके हैं. यू विल नाउ सी द रिकॉर्ड ऑन ओनली दोज स्टूडेंट हु हैव बी गॉट टोटल मार्क्स इन द रेंज ऑफ 300 to 400. रिमूव द एडवांस फिल्टर द क्लिक द लॉगिंग टू गोलिंग फिल्टर बटन इन द स्कोरिंग स्टोर फिल्टर ग्रुप on the home tab. If you click the trolling filter the button against the current filter will be appear display this where. देखिए अब क्या करें हम लोग, अगर उसको वही रेंज देखेगा जो 300 से लेके 400 तक, अगर 500 रहेगा तो आपको 500 का रेंज नहीं दिखाएगा, वो आपका 300 से 400 का रेंज दिखाएगा. इसी के बीच में आपको जो भी नंबर रहेगा वो दिखाएगा. अगर इसको हटाने से रहेगा तो हम लोग वहाँ पर होम टैब में जाएंगे, स्कोरिंग फिल्टर जाएंगे, फिर हम लोग वो जहाँ पर हटाने का है टोल फिल्टर को हटा देंगे वहाँ पर से. देखिए इसके लिए एडवांस वाला भी यहाँ पर से भी क्लिक कर सकते हैं हम लोग. अब देखिए अब है सर्चिंग क्या है. इफ सर्चिंग ऑफ डाटा इट इज ऑफर डिफिकल्ट टू सर्च फॉर ए पर्टिकुलर डाटा इन ए लार्ज डाटा बेस. In this case, we can use search feature to search for a data. Follow this step. मैंने हम लोग का जो सर्च डाटा बेस तो बहुत बड़ा रहता है, कुछ चीज़ को खोजने के लिए हम लोग को बहुत दिक्कत होता है. इसके लिए हम लोग सर्च फॉर डाटा माना है. इंटर द वर्ड ऑन और ए पार्ट ऑफ इट डाटा और नंबर इन ए सर्च बॉक्स. Press enter key. Let us enter 407 in a search box. Admin access to the thread highlighted the value in the first record that matched your search. You find the next matching record. Type the it. Press the enter key again. Access find the alt record that match your search data anywhere in your data sheet. अब देखिए इसमें क्या दिखाया है. हम लोग डाटा शीट में के लिए हम लोग रिसर्च डाटा रिकॉर्ड के लिए हम लोग अगर 407 डालें, 407 किसका आएगा वो चीज़ को वहाँ पर वो हाईलाइट करके दिखा देगा कि ये चीज़ जो अब यहाँ पर एक्सेल में वो चीज़ रहेगा वो आपको हाईलाइट करके वहाँ पर दिखाएगा कि आपका ये जो है इस रिकॉर्ड को आपको उससे मैच कर रहा है. अगर हम जिस चीज़ को रिकॉर्ड का हम वहाँ पर डालेंगे और फिर इंटर डालेंगे तो वो जिस चीज़ में कहीं भी एक्सेस में रहेगा वो आपको दिखा देगा उस चीज़ के रिलेटेड से. चलिए ये आपका सर्चिंग वाला ये सब ये लास्ट टॉपिक भी पूरा कंप्लीट हो चुका है. अगर ये तीनों समझ में आता है ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो आप इस वीडियो में कमेंट करिएगा. आप पहले पढ़िएगा समझिएगा उसके बाद हमको बताइएगा. थैंक यू.